नमो सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधु घर जल भरी संत स्वामी चरण इस भूमि का नाम क्षत्रिकुंड है। यहाँ भगवान महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक भूमि है। ये प्रतिमा को जीवित प्रतिमा बोली जाती है। ये लगभग 2600 साल प्राचीन प्रतिमा है। जब हमारे प्रभु जी को 42.5 वर्ष की उम्र में ऋद्धि आलोका में केवल ज्ञान हुए और उनके भाई नंदीवर्धन को लगा कि मैं एक बार भाई से विनंती के लिए जाता हूं कि आप क्षत्रिकुंड पधारो, सारी प्रजा भी दर्शन कर लेंगे, पूरे परिवार भी दर्शन कर लेंगे। इस भाव से पूरी प्रजा के साथ जब क्षत्रिकुंड जब नंदीवर्धन क्षत्रिकुंड से ऋद्धि आलोका पहुंचे तो वहां उनके भाई से भेंट नहीं हुई, वहां तो केवल ज्ञानी महावीर से भेंट हुई। उस समय हमारे परमात्मा तारणहार वो केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। और जैसे ही केवल ज्ञान प्राप्त भगवान महावीर से उनकी दर्शन हुई,
उनके भाव बदल गए और उनके आंखों में आंसू आ गया और उन्होंने विनती की कि भाई एक बार छत्री कुंड पधारो, सारी परिवार दर्शन करने के लिए आपके ललाए थे, पूरे परिवार आपके दर्शन करने के लिए लाए आए थे। और जब नंदी वर्धन विनती करके छत्री कुंड के लिए लौटे तो ऐसा चार लोग बताते हैं कि उनके आंखों में आंसू, उनको लग रहा था कि जो संसार में मेरा नहीं है मैं उसको संभालने के लिए जा रहा हूं, राज्य मेरा नहीं रहेगा मैं उसको संभालने के लिए जा रहा हूं, और भक्ति मेरी है मैं भक्ति को छोड़ के जा रहा हूं। ऐसे दर्शन मात्र से नंदीवर्धन के भाव बदल गए और जब छत्री कुंड पधारे नंदीवर्धन तो उनको लगा कि मैं भाई को कहां कहां ढूंढूंगा, अरे आएंगे भी विनंती के बाद एक दो दिन रुकेंगे फिर छरी पालित यात्रा करते हुए बिहार कर जाएंगे, मैं भाई की प्रतिमा ही बनवा लेता हूं। और वो इतना धावादेश थे तुरंत कारीगर को बुलवाए कि मैं भाई के लिए प्रतिमा बनवाऊंगी, कितनी सुंदर से सुंदर पत्थर की प्रतिमा मिले कि मेरे भाई की प्रतिमा बहुत सुंदर नाम हो। और कारीगर ने कसौटी पत्थर का आदेश कर दिया। मेरे प्रभु जी को यह पता नहीं चल पाया भाव में कि मेरे भाई गोरे हैं तो मैं भाई पत्थर का बनाऊ, तो भावावेश में सिर्फ उनको लग रहा था कि कितनी सुंदर पत्थर की मैं अपने भाई के लिए प्रतिमा बनाऊ, और श्याम वरण कसौटी की पत्थर आई और उसी की प्रतिमा बनना शुरू हुआ। ऐसा बताया जाता है कि जब प्रतिमा बनने लगी तो इंद्र और इंद्राणी की नजर पड़ गई और उन्होंने सोचा कि मेरे प्रभु जी की प्रतिमा बन रही है, जब मेरे तारनहार की प्रतिमा बनी तो कितनी भाव में बने, वो एक बार भाव से इस प्रतिमा का सेवा दर्शन का लाभ ले ले उनकी भवो भव मिट जाए। और इंद्र और इंद्राणी अपनी भाव को कारीगरों पे लगा दी और ऐसे भाव में ये प्रतिमा बनी। और जब प्रतिमा बनी और नंदीवर्धन सेवा दर्शन का लाभ लेने लगे तो उनको एक दिन ऐसा लगा कि मैं संसार में एक बहुत बड़ी भूल की, मैं भाई के रहते मैं भाई की प्रतिमा बनवा डाली और भाई से आदेश भी नहीं लिया। फिर वो रिद्वारिका गए और विनती करके छत्री कुंड लाए कि जिस भूमि पे आप 30-30 वर्ष बिताए हो क्या वहां की जनता वहां की प्रजा आप एक बार दर्शन नहीं दे सकते, और विनती करके अपने साथ मेरे तारणहार 24वीं तीर्थंकर चरण तीर्थपति शासनपति भगवान महावीर स्वामी को छत्री कुंड साथ में लाए। और जो लाए तब यहां बताए कि जब से मैंने रिजु बालिका में आपका दर्शन किया वो आपके बिना एक पल जी नहीं सका, मुझे संसार में कुछ दिखाई नहीं दिया आपके सिवा, और मैं एक बहुत बड़ी भूल कर दी कि आपसे आदेश नहीं लिया और आपके रहते मैं आपकी प्रतिमा बनवा दी। आप अगर मेरी विनती को स्वीकार करते हैं तो एक बार आप मेरे लिए नहीं संसार के वास्ते, नंदीवर्धन भी तो मेरे तारनहार के भाई थे, कोई साधारण व्यक्ति तो थे नहीं, उन्होंने संसार के वास्ते माना कि आप एक बार संसार के वास्ते आप एक बार खुद दृष्टि गोचर इस प्रतिमा पे कीजिए। और भाई मेरे प्रभु जी का एक और नाम है करुणापति, उनके हृदय में सिर्फ करुणा ही था, उन्होंने भाई की विनती को स्वीकार करके करुणा करके उन्होंने खुद अपनी दृष्टि गोचर की। अपने जैन धर्म में 2400 तीर्थंकर में कोई ऐसी प्रतिमा नहीं पूरे विश्व में जिसके खुद तारणहार की दृष्टि पड़ी हो। ये संसार की एकलौता प्रतिमा श्याम वरण, आज तक जो भी मैंने संसार में सेवा पूजा की कोई आचार्य भगवंत के द्वारा अंजन सलाह का होती है और मैं सेवा पूजा का लाभ लेता हूं, एक खुद मेरे प्रभु की दृष्टि पड़ी हुई प्रतिमा पे आज मैं सेवा पूजा करके अपने जीवन को कृतार्थ कर रहा हूं। बोले महावीर स्वामी भगवान की। मेरे मन में आकर बस जाओ महावीर प्रभु जी, महावीर प्रभु जी। मेरे मन में आकर बस जाओ महावीर प्रभु जी, महावीर प्रभु जी। मुझे सत्य की राह दिखा जाओ महावीर प्रभु जी, महावीर प्रभु जी।
क्षेत्रकुंड नाम है। यहाँ भगवान महावीर स्वामी जी का जन्म हुआ था और उनके भाई नंदी देव ने ये प्रतिमा जी कसौटी की भलाई जी देख के आनंद आ रहा है काफी खूब है उनको ऐसा मेरा पुण्य है कि मैं सब जगह दर्शन कर रहा हूँ खूब खूब आनंद आ रहा है। और यह दूसरा पद है तीर्थंकर मातृवात्सल्य पर, इसमें सभी तीर्थक माता माताओं की प्रतिमा जी है और उनके पुत्र तीर्थंकर का भी फोटो है। जय जीवेंद्र। आज हम क्षत्रिय कुंड तीर्थ स्थान पर आए हैं जहाँ पर श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने जन्म लिया था और हमारे साथ में श्रावक भाई और श्राविका बहन जो कि केन्या से पधारे हैं, संजीव भाई और रश्मि जी हैं, उनसे मिलकर के हमें बहुत आनंद की अनुभूति हुई। और उनको इस तीर्थ की स्पर्शना के बाद क्या कैसा महसूस हो रहा है इसके बारे में संजीव भाई हमको बताएंगे। एक बहुत फाइन बहुत सरस अंदर थी भाव जागे छे। भगवान ने जोई ने एम थाय के आहा आ हूँ क्या आव्यो, केटली पवित्र जगह छे, आजूबाजू बधी हरियाली जगह छे, लीली लीली जगह छे, आटला पहाड़ी वचमां आटलो सरस निरासर बांधेलो छे। अने भगवान साक्षात 2600 वर्ष ऊपर जूना आज आपने ना दर्शन थाय, जे एना भाई नंदीवंदन ने बनाव्यो एनी हयाती में, तो आपणा केवा सारा नसीब જે 2600 વર્ષના હયાતી ભગવાન આપણને મહિલા, જે ભગવાન જે કે છે અહીંયાના જ માણસો કે છે કે આ હયાત છે આ જીવિત છે, એ ભગવાન આપણને અહીંયા પાછા મહિલા અહીંયા ભગવાન થી એ લોકો લઈને ઉપર ક્યાંક ગયા હતા, કોઈ પડી ગયા હતા અહીંયાથી પાછા અહીંયા ભગવાન આવી ગયા, વિરાજમાન થઈ ગયા પાછા, એવું શું જોવાનું ચમત્કાર મળે આપણને। અને ભગવાનને અહીંને દર્શન કરવા આવો એક ખૂબ જ અદ્ભુત એક એક ફિલિંગ આવે છે, એક જાતની ફિલિંગ આવે છે કે કેટલી શાંતિ છે, સુકૂન મળે છે, કેટલો સુકૂન મળે છે। શિખરબંધ દેરાસર હે ઓર બહોત અચ્છે અચ્છે દેરાસર હે, લેકિન જો ફિલિંગ ઇધર કે દેરાસર કી આતી હે વો ઉધર ભી હમકો નહીં આતી હે, ક્યુંકિ ઇધર ઇતને કલ્યાણક હુએ ભગવાન કે તો વો ફિલિંગ હી ડિફરન્ટ હે। બટ मैं रिक्वेस्ट करूंगी सब लोग को कि वो जरूर से भगवान के दर्शन के लिए आए, और स्पेशली इस भूमि में जहाँ इतने सारे कल्याणक हुए, इतने 20 भगवान के कल्याणक इधर हुए हैं इस साइड इंडिया के इस साइड में, तो ये मस्ट है कि जिंदगी में एक बार तो हमको ये दर्शन करने चाहिए। पहली दफा आए है केन्या में इंडिया में, और समझ चुका बिहार के स्टेट में मैं जो इतना जितना देरा सर है जहाँ जहाँ कल्याणक हुआ है वो हम सब दर्शन करने जा रहे हैं। फर्स्ट टाइम ये पहली दफा होगा, पहले हम गुजरात में और राजस्थान में भी गए और मैं अकेला था तब, तो पहले मैंने गिरनार समित गिरनार और पलिताना संखेश्वर मौड़ी आबू सब किया है, ये एक तीर्थ स्थान रह गया था हमारा, तो आज वो भी पूर्ण हुआ और ये सबसे अलग भी लग रहा है। इधर बहुत बहुत प्राचीन भगवान की मूर्ति है, देरा से भी बहुत पुराना लग रहा है, लेकिन इधर एक दफा तो किसको आना ही चाहिए, और घूम और रंग मंडप के नीचे बैठना चाहिए भगवान को देखने के लिए। और हमारे नकुरु में भी जहाँ से हम आए, हम केन्या कंट्री नकुरु टाउन से आए, उधर भी हमने 2017 में प्रतिष्ठा महोत्सव जोया था और शिखरबंध देरासर बनाया जिसे इंडिया में बनता है नो आयरन नो स्टील। सबको विनंती करते हैं आप एक दफा केन्या भी आ जाओ, तो हमारा केन्या में 5 गांव में 5 देरा अलग अलग देरासर है जहाँ जिन प्रतिमा सितंबर देरासर होता है। माना मैं पापी हूँ, मैंने लाखों पाप किए, माना मैं पापी हूँ, मैंने लाखों पाप किए, पर तू तो दयालु है, तू
तूने सारे माफ किए, इस सारी दुनिया में तेरे ही चर्चे हैं। उन्हें सुनकर आया हूँ मन में संताप लिए, मेरी बिगड़ी आज बना जाओ महावीर प्रभु जी, महावीर प्रभु जी। ओ मेरे मन में आकर बस जाओ महावीर प्रभु जी, महावीर प्रभु जी। जग सारा देख लिया पर समझ ना आता है, जग सारा देख लिया पर समझ ना आता है। जिस मन अपना समझे वही छोड़ के जाता है। कर्मों का खेल यहाँ बड़ा जब निराला है, जो जोड़े खोता है जो छोड़े पाता है। मुझे निश्चल हृदय बना जाओ महावीर प्रभु जी, महावीर प्रभु जी। मेरे मन में आकर बस जाओ महावीर प्रभु जी, महावीर प्रभु जी। मुझे सत्य की राह दिखा जाओ महावीर प्रभु जी, महावीर प्रभु जी। मेरे मन में आकर बस जाओ महावीर प्रभु जी, 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 महावीर प्रभु जी। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब।